हम लोगों ने बात की ट्रांसफरेशन की और ट्रांसफरेशन में जो सेवेंटी परसेंट ऑफ ट्रांसफरेशन है वो बिकॉज ऑफ दिस टोमेटा होती है तो यहाँ पर ट्रांसफरेशन का स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो हम पहले बात करते हैं कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज क्यों होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा बेसिकली एक पोर है और उस पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंडेंट होती है उन गार्ड सेल्स की जिन्होंने स्टोमेटा को सराउंड किया होता है तो साइंटिस्ट ने दो प्रेजेंट की थी जो थी वो टोमेटो की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल हैं सो दैट्स व्हाई हम लोग इन दोनों थेरीज को स्टडी करेंगे पहले थेरी का नाम टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन है और दूसरी थेरी पोटेशियम इन फ्लक्स एंड ई फ्लक्स थेरी है पहले बात करते हैं स्टार्च एंड शुगर इंटरकन्वर्जन की अकॉर्डिंग टू दिस थे जैसे ही आपके स्टार्च की अमाउंट ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और जब शुगर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और ये दोनों इंटरकन्वर्जन डिपेंडेंट होती हैं अपॉन द रेट ऑफ़ फोटोसेंथिसिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिन की बात करूँ तो दिन के अंदर क्योंकि रेट ऑफ फोटोसेंथिस बहुत ज़्यादा होता है तो गार्ड सेल के अंदर शुगर की जो होती है कंसेंट्रेशन वो भी हाई हो जाती है जब गार्ड सेल में शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उस वजह से सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है और सोलूर पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है अंदर मूव करता है तो उसकी वजह से डार्क गार्ड सेल्स जो होते हैं वो टर्जिट हो जाते हैं और वो जो होता है वो स्वेल करके फूल जाते हैं और वो स्टोमेटा ओपनिंग को ओपन कर देते हैं जैसे आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में कि जैसे सन रेज जो है वो स्टोमेटा सेल्स पे लीफ पे पड़ी फोटोसेंथिस का रेट हाई हुआ और उस हाई रेट ऑफ फोटोसेंथिस ने गार्ड सेल्स को टर्जिट कर दिया बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द वाटर इन द गार्ड सेल्स और आपका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया फिर रात को क्या हुआ रात को फोटोसेंथिस नहीं होती तो जब रात को फोटोसेंथिस नहीं होती तो आपकी ग्लूकोज बनना शुरू बंद हो जाती है और जब ग्लूकोज बनना बंद होती है, तो आपकी जितनी भी रेनिंग ग्लूकोज आपके गार्ड सेल्स में होती है वो या तो कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्टार्च, या फिर वो ट्रांसपोर्ट की जाती है इनटू द नियर बाय सेल्स तो जिसकी वजह से जब आपकी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी तो आपका जो वाटर होगा वो भी रिमूव हो जाएगा वाटर जो है वो सेल्स के या गार्ड सेल्स से मूव अवे कर दिया जाएगा जिसकी वजह से गार्ड सेल्स फ्लैसिड यानी कि जो है वो इस तरह के जो है वो अपनी शेप मेंटेन नहीं करेंगे और ऐसे हो स्ट्रेट होंगे और वो जो है वो आपके स्टोमेटा ओपनिंग को क्लोज कर देगा इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे ही जो है वो रात हुई है शुगर की कंसनट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गई है सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हुई है जिसकी वजह से पानी जो है वो गार्ड सर्स से मूव अवे कर गया और फाइनली आपके गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड होने की वजह से बंद हो गए दूसरी जो है वो आपके दूसरे साइंटिस्ट से प्रेजेंट की थी और इसके अंदर जो है वो टार्च और शुगर की मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि पोटेशियम आयन की मूवमेंट की वजह से आपके स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है

की जो है वो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जिसकी वजह से पीएच जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है जब पीएच डिक्रीज होती है तो पीएच डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम आयन है वो आपके बेलेट आयन के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन करके पोटेशियम मैलेट बनाएगा और ये पोटेशियम मैलेट जो है वो वाटर के अंदर मिक्स होकर वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और डिक्रीज वाटर पोटेंशियल का मतलब यह है कि आपके अराउंड से आसपास से वाटर जो है वो मूव करेगा इनटू टू दी गार्ड सेल्स जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाएंगे और वो स्टोमेटा को ओपन कर देंगे रात के टाइम पे इसके ऑपोजिट होगा बंद हुई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है अवे मूव so कर, कर जाएगा और जैसे पोटेशियम आइन जाएगा तो जो पोटेशियम मिलेट बना था वो टूट के खाली मैलिक एसिड बन जाएगा और मैलिक एसिड बनने की वजह से आपका वॉटर जो है वो भी मूव कर जाएगा पोटेशियम आइन की वजह से अवे फ्रॉम दल्स गार्ड सेल्स आपके फ्लैसिड हो जाएंगे और आपके स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज कर देंगे तो इस तरह से इन दोनों थेरीज की वजह से हम लोग कहते हैं कि वाटर की इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट की वजह से आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। थैंक यू